हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कमन्स फूड। चलिए आज बनाते हैं हम स्टफ्ड करेला, भरमा करेले की सब्जी, बिल्कुल आसान तरीके से, जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी बनती है। आप एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने 500 ग्राम यहाँ पर करेले लिए हैं। इसको हम अच्छे से धोकर साफ कर लेंगे और इनको छील लेंगे। अभी इसके दोनों साइड से हम कॉर्नर को कट कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर मैंने सभी करेले के दोनों साइड से कॉर्नर को कट कर लिया है। अभी हम एक चाकू की सहायता से हम करेले में एक कट करेंगे, कट लगाएंगे, जैसे हम चीरा लगाते हैं ना, एक लंबा कट करेंगे। और इसके अंदर जो भी बीज होते हैं, पके हुए बीज हो, जो भी हो, इसको हम अच्छे से बाहर निकाल लेंगे। सारे बीजों को हम स्पून की सहायता से या फिर आप फिंगर से सारे बीजों को बाहर निकाल लीजिए। अभी यहाँ पर मैंने सभी करेलों को कट कर उनके अंदर से बीज को निकाल लिया है। अभी हम करेले की स्टफिंग तैयार करते हैं। उसके लिए हम मसाला तैयार करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम 4 चम्मच यहाँ पर धनिया पाउडर लेंगे, 1 चम्मच कश्मीरी रेड मिर्च पाउडर लेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर लेंगे, थोड़ी सी हल्दी मिर्च लेंगे, हल्दी पाउडर लेंगे, और थोड़ा सा हम गरम मसाला लेंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। अभी हम 1 चम्मच इसमें सौंफ लेंगे और सभी मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें 1 से 1.5 चम्मच ऑयल डालेंगे और मसाले को अच्छे से हाथ से या स्पून से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है, मसाला बनकर तैयार हो गया है। अभी हम करेला लेंगे और इसमें इस मसाले को अच्छे से चारों तरफ से अच्छे से दबाकर भर देंगे। ये देखिए, इस जिस तरीके से मैं मसाला इसमें डाल रही हूँ, आपको ऐसे ही मसाले को चारों तरफ से फिंगर की सहायता से इसको भरना है। ये देखिए, करेला हमारा भर चुका है। अभी हम इसको साइड में रखते जाएंगे और सभी करेले को हम इसी तरीके से फिल कर लेंगे। सभी करेले को हमने भर लिया है, सभी करेले भरकर तैयार हैं। अभी हम धागा लेंगे और धागे की सहायता से एक एक करके सभी करेले को हम बांध देंगे, जिससे क्या होगा, ये जो करेले का मसाला है बाहर नहीं आएगा। और जो भी बिगनर्स हैं, जो पहली बार करेले की सब्जी बना रहे हैं, भरमा करेला, उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा इस सब्जी को बनाना। तो इसी प्रकार सारे करेले को हमने धागे से बांध लिया है। अभी हम एक पतीला लेंगे और उसमें 1 से 1.5 बड़े चम्मच ऑयल डालेंगे, जीरा डालेंगे, और जो हमने करेले को भरा हुआ है, एक एक करके सभी करेले को पतीले में हम रख देंगे और पतीले को ढक देंगे। अभी हम करेले को चेक करते हैं। ये देखिए, अभी हम करेले को पलट देंगे, इनको हम उछालते हुए ऐसे पलट देंगे। आप चाहें तो आप स्पून से भी इनको पलट सकते हैं। आपको करेले को हर 2 से 3 मिनट में इसी प्रोसेस से आपको देखना है और इनको पलटना है, अदरवाइज ये नीचे से जल जाएंगे। अभी आप इसको फिर से वही तरीके से हम इसको उछालते हुए पलट देंगे करेलों को। आप स्पून से भी आप इसको पलट सकते हैं और फिर से इसको ढककर रख देंगे।
करेला पूरी तरीके से कुक हो चुके हैं, सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। गाइज आप एक एक बार इस तरीके से करेले की सब्जी जरूर बनाइएगा, गारंटी से आपके घर की रोटियां आपको कम पड़ जाएंगी। ये इतनी टेस्टी और इतनी यमी बनती है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, और बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करना, जिससे जब मैं अगला वीडियो डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।